और चलिए अब बात करते हैं एमपी के हरदा में हुए फैक्ट्री में। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। हंड्रेड परसेंट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। तो एमपी के हरदा में जो कल विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है आप देखिए। हरदा में धमाके के बाद फैक्ट्री में रेस्क्यू जारी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, राहत बचाव में जुटी हुई है। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आज सीएम मोहन यादव खुद हरदा जाएंगे, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है उसको देखकर और जो हालात है तस्वीरों में जो सब कुछ कैद हुआ है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो धमाका था वो कितना बड़ा था। 2 किलोमीटर तक धरती कांप गई थी, 11 लोगों के अभी तक इससे मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की तरफ से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के हरदा के पटाखा फैक्ट्री में कल जो धमाका हुआ 24 घंटे बाद भी आग बुझाने का काम जारी है। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धमाके वाली जगह से मलबा हटाया जा रहा है। मौके से हम आपको हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट भी दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और जानकारी दें, मध्य प्रदेश के हरदा में हुए हादसे की पूरी डिटेल आपके सामने। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद अब तक 24 घंटे का समय बीत चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तस्वीरें आपको सीधे उस फैक्ट्री की दिखा रहे हैं जहां पर ये धमाका हुआ। अब भी आप देख रहे हैं कि पानी की बौछारें यहां पर की जा रही है और कुल मिलाकर इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। देखिए अभी भी कितना तेज़ धुआं यहां से उठता हुआ नज़र आ रहा है और आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि धमाका कितना बड़ा था। 2 से 3 किलोमीटर दूर तक कंपन हुआ, आसपास के जितने घर थे पूरी तरह से उड़ गए, लोगों ने अपनों को खो दिया और फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार लगी हुई है, मलबा हटाया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जिम्मेदार कौन। हादसा हो चुका है, मौतें हो चुकी है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, मगर अब तक उन दोषियों पर कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई है। दरअसल इस फैक्ट्री की आप बात करें तो 3 से 4 बार यहाँ पर बड़े हादसे हुए। 3 साल पहले भी इस फैक्ट्री में हादसा हुआ था जब 4 लोगों की मौत हुई थी और कई अनियमितताएं इस फैक्ट्री में देखने को मिली है। यानी कि इस रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री कैसे बनी, इसकी अनुमति किसने दी, इसे लाइसेंस किसने दिया। दूसरा, 1 मंजिला इस फैक्ट्री की अनुमति थी मगर ये 2 मंजिला हुई। तीसरा, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जो बारूद को पटाखे का टेस्ट होता है उसके लिए एक अलग से कमरा या अलग से जगह होती है मगर उसका भी टेस्ट यहीं पर होता था। चौथा, जितनी क्षमता एक फैक्ट्री में बारूद रखने की होती है उससे कई गुना अधिक क्षमता इस फैक्ट्री में थी। तो इस तरह से तमाम तरह के सवाल थे और इन सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा, किसकी जवाबदेही है, क्योंकि अधिकारी तो इससे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं उनकी पोस्टिंग तो 2 महीने पहले हुई है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ इतनी है कि मलबा यहां से हटाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव 2:00 PM यहाँ पर आएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा फैसला होगा या ऐसा इंसाफ होगा जो नज़ीर बनेगा। और चलिए सीधा मौके का रुख करते हैं और हमारे साथ हरदा से शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, खबर ये आ रही है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, क्या वाकई में इस बात की आशंका है कि अब भी जो मलबा है मलबे के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं? देखिए, कई तरह के सवाल हैं। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आए थे, मौके का मुआयना उन्होंने किया और यही सवाल वो भी कहकर गए हैं कि जब इस फैक्ट्री में 300 से 400 लोग काम करते थे या जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहाँ पर 40, 50, 60 कितने लोग थे, तो उनका क्या हुआ? वो भागे नहीं, अंदर ही थे, क्योंकि लोग भी यहाँ पर यही आरोप लगा रहे हैं।
तस्वीरें हम भी अभी भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर धुआं अब भी उठता हुआ दिखाई देता है, कई जैसी भी मशीनें लगी हुई है लगातार जी। चलिए शुभम आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार धुआं उठता हुआ अभी भी जो मलबा है जो कल विस्फोट हुआ हरदा की फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में, इसके बाद 24 घंटे बाद भी आप देखें मलबे से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और इस बात की आशंका जाहिर की गई कि मलबे में अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं दबे हुए। और हरदा में हादसे वाली जगह पर अभी मातम पसरा हुआ है। ऐसे एक पीड़ित परिवार से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शुभम गुप्ता ने बात की, आप देखिए उनका दर्द। हरदा पटाखा फैक्ट्री का हाल अब कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग अपनों को खो चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर वापस जा रहे थे वो और दादी दादा सब बढ़िया हैं। आपका क्या नाम है? नेहा चंदेले। नेहा, क्या हुआ आपके परिवार के साथ? पापा मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और बाकी सब तो हम सब ठीक है। आपके क्या मम्मी पापा यहीं काम करते थे? इस फैक्ट्री काम नहीं करते थे, हम शादी में से आए थे, सब काम नहीं करते थे, घर ही रहते थे। मतलब फैक्ट्री के पास में आपका घर? हमारा फैक्ट्री से चिपका हुआ घर ही था सर, दिवाली चिपकी हुई थी हमारी फैक्ट्री से ही। आप भी उस वक्त घर में थी? हम चार भाई बहन ही है, हम ये चार भाई बहन, तीन बहन एक भाई। आप घर में ही थे तब जब ये? नहीं, मैं कोचिंग गई थी, मेरी बहन मम्मी घर थी और दादा घर थे, बाकी सब घर पे, मैं कोचिंग गई थी, दोनों स्कूल गए थे। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा सर, सब चल गया, घर भी नहीं बचा, माँ बाप भी नहीं बचे। किसको गुनाहगार मानती हैं आप, क्या इंसाफ चाहती हैं अब आप? पटाखे वाले को गुनाहगार ही है, इतनी आबादी में नहीं बनाता तो लोग आज जाते नहीं, इतनी आबादी में बसाया उसको भी समझना चाहिए ना कि इतनी आबादी में लोग बसे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बारूद वारूद सब बनाता था वो। आप बड़ी बहन हैं? हाँ जी, मैं बड़ी बहन हूँ। घर में सबसे बड़ी आप ही हैं? हाँ, घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। अभी सरकार से कोई आप तक फोन आया, कोई मदद आप लोगों से? कोई मदद नहीं आई सर, कोई का फोन नहीं आया, कोई की मदद नहीं आई, हमारे तक कुछ भी नहीं आया अभी। आपका क्या नाम है? ये भाई नहीं है मेरा, भाई ये है, स्कूल से ही है वो, तो स्कूल की ड्रेस में ही है, दोनों भाई बहन स्कूल गए थे।